मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बढ़िया दैत में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम हैं नारकी क्षेत्र में, जो कि हमारे टूंडला के पास पड़ता है। टूंडला को तो लोग जानते ही हैं, उस हिसाब से नारकी को भी जान लेंगे। मिर्च की बहुत बड़ी बेल्ट है और यहाँ पे आलू भी काफ़ी होता है। और मेरे साथ हैं दोस्तों यहाँ के प्रतिष्ठित बढ़िया प्रगतिशील किसान महावीर सिंह जी। महावीर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। राम राम जी आपका हमारे चैनल पर। और जरा अपना परिचय दें। बहुत धन्यवाद पंडित जी। महावीर सिंह बघेल, पूर्व ब्लॉक प्रमुख नारकी जी। जी, मेरा फार्म हाउस है जाटो। अच्छा, कितना आलू लगाते हैं सर आप? मैं तो करीब लगाता हूँ 60 एकड़। अच्छा, लास्ट ईयर हम तुम्हारे यहाँ आए थे, सबसे पहला वीडियो तुम्हारे यही बनाया था। तब सर्वे शुरू किया था, तब ओलावृष्टि हुई थी, बहुत भयंकर नुकसान हुआ था किसानों का। बहुत नुकसान, हमारा भी नुकसान, आपका भी था, दिखाया था। पर अब एक चीज बताओ, पहले सबसे पहले शुरुआत करेंगे वीडियो की, तो आप एक चीज ये बताएंगे, आपके यहाँ लास्ट ईयर से आलू ज्यादा है कि कम है? देखो, हमारी तो ग्राम पंचायत का, मैं अपने पूरे ब्लॉक की, हाँ, नारकी ब्लॉक में मिर्ची ज़्यादा थी। ठीक है, उसमें मिर्ची में नुकसान हुआ तो लोगों ने गेहूँ करे, लेकिन आलू नहीं बोआ। आलू कम है? हाँ, आलू हम नारकी ब्लॉक की, तो मैं नारकी ब्लॉक कहाँ नहीं, और हम अपने 15-20% ऐसा हमारे ग्राम पंचायत में कम है। ऐसा अपने क्षेत्र की आपको रिपोर्ट होनी चाहिए। हाँ, और से आप अपने क्षेत्र की बता सकते हैं? तो कथा भागवत में सब में जाते ही रहते हैं, गांव गांव घूमते हैं। रोड पे आ रहे थे पिछली बार भी, आए ओले देखने। नहीं, यहाँ कम है पंडित जी को, काम है प्रोडक्शन, आलू ही नहीं था पिछले साल। एक चीज बताऊं, प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन तो ऐसा है कि प्रोडक्शन अगल कल बरसात होती है थोड़ी बहुत, जिन खेतों में आल जिंदा है तो उनमें तो 2-4% आलू बढ़ेगा। अच्छा, नहीं अगर बूंद नहीं पड़ी तो जो जहरी आल है ना, इसमें बहुत नुकसान है। नहीं, आप एक चीज़ और बताने ये होगी, जैसे प्रोडक्शन का क्या है, एक तो हो गया पहलू के बढ़ेगा, दूसरा ये हो सकता है कि लेट ब्लाइट। लेट ब्लाइट की देखो, यहाँ हमारे यहाँ असर ना है, लेकिन यहाँ से थोड़ी दूर आगे चल के जो रेत के खेत हैं उनमें तो बहुत असर है। और जाड़े का उसमें क्या है, पिछली साल 10 दिन पहले आलू गड़ा था, जैसे 25-26, अब की टोटल आलू नवंबर में गया। हाँ। नवंबर से लेट ब्लाइट का एक पहला वीक सप्ताह होता है। देखो, हम लोगों का अनुभव है आलू का, जनवरी का वीक सप्ताह होता है ब्लाइट चुर्री आने का, वो जनवरी में स्टार्ट कर, वो अपने टाइम से आई और आलू फूल नहीं पाया, उसका बहुत बड़ा असर। अब खोद के देखेंगे कल पिछली बार की तरह, कौन सी वेरायटी आपकी ख्याति है? दोस्तों, 5.5 लाख रुपए का प्लांटर है इनके पास, आलू बुवाई करने की मशीन सबसे पहले, और मुझे समझिए कि नए बीज और सब व्यवस्थाएं बढ़िया रहती हैं। देखो, आल भी बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, आल बढ़िया है। अब आलू देखेंगे, आल भीतर कैसा है, मुद्दे की बात। कितने दिन की फसल हो गई? ये है 31। वो महाराज, इसमें तुम्हारे में हल्का हल्का ये तुमने दवा लगा तो दी है, ये जाड़े की नहीं खुलकर रोग से का तो है सिम्टम हल्के लगे। नहीं जी, जाड़े की रोग थोड़ी नहीं। अच्छा 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 अच्छा, पंडित जी तुम आलू वो दिन में सर्वे, ये पत्ता है बर्फ से जला है। अच्छा, बर्फ का रोग सो दिख रहा दूध? ना, रोग कुछ भी नहीं है, 100% रोग नहीं है। अच्छा, देखो ये पत्ते हैं, ये रोग बर्फ जमीन पे। हाँ, कितने दिन की होगी फसल ये? ये 31 अक्टूबर की है। अच्छा, चलो खोद के देखें। 85 दिन का आलू है। 85 दिन? आगे आ जाओ, आ जाओ, ले लो, खोदना भाई साहब। जी, तो जाड़े को असर है, 15% जाड़े का असर है पूरे खेत में। हाँ, तो है, जाड़े को तो पूरे खोद गया। ये रोग ना है ये? अच्छा, जाड़े को ये, चलो जी, अरे वो आलू जाड़े को ये ख्याति है, ख्याति ख्याति है। ढंग से खोदो ना, मालूम पड़े हैं तो ये सब ढंग, आप हिसाब से खोदवाओ। एक एक तो जिग जैग में है दोनों साइड आलू, मालूम ना पत्तो तो जब जा, सब जगह आलू रहते हैं। हाँ, ये पूरे जोरे में इसमें बेड में कितने इंची है? 30 इंची में दो जगह आलू लगता है इसमें जिग जैग में। क्या चक्कर है भैया, निकालो आलू। ऐसा जी, वो नीचे होगा भी आलू, तो आलू हतुआ है पूरा हो गया तो तुम्हारा पूरा खैर भाई, ना कह सकते पड़ी जाएगा जी जी। कर जैसे कौन निकालना आलू? नहीं, आलू है नहीं, मैं निकाल बना। अब आलू जी गिन के और इधर साइड देख लो भाई, कोई कहने लगेगा साइड में नहीं तुमने दिखाया, समझो पूरे जे यहां तो दूसरे को आवेगा फिर। चलो मतलब, अच्छा ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10। अब जा में जे किरी खत्म है जाएगा अगर बरसात आएगी तो, जी गुल्ला है जाए। नहीं नहीं, मेरे को जे दिख रहा है कि जे इसमें जिग जैग में तो आलू है, ये आलू कम नहीं दिख रहे? दाने संख्या कम है। कम है, कम है, कम है संख्या। पिछले साल हमने आपका खोदा, मेरी बात सुनो, ऐसा है कम ट्यूमर हो तो आलू फूल तो है, लेकिन अब की तो फूलो तो ना है और ट्यूमर भी कम है। ट्यूमर भी तो एक जगह और खोदो ना, संतुष्टि सी ना भाई, एक जगह और खोद लो, एक पेड़ एक जगह। नहीं, दाने कम है यार, दाने तो कम है यार, तो मैं भाई मैं कैसे, मैं तो एक जगह और देखूंगा तब संतुष्टि करूंगा भाई। आपके 14-15 आलू थे मुझे याद है, मैं आया था
मोटा सा पेड़ लो, बढ़िया बढ़िया क्या पेड़ होगा, निकाल ले, निकाल सब निकाल जी। एक पेड़ आगे, एक बगल वाला और है, जामे माले बना पत्ता, जगह ने अच्छी खोदो बगल में, जो तीन पेड़ है दूसरे पेड़ के आगे, ठीक है ना। ना ना भाई, वो एक अंदाज लग रहा ना इतने एरिया में कितना दान हो जीव, तो एक आइडिया को परत आ जाता है। एक और आ गया इधर, ये ख्याति आपका है बढ़िया, पर सीट बढ़िया है, सीट अच्छा है आपका, सीबीआरआई का किसका है? हाँ जी हाँ। और इधर से भी ले जवाला पेड़ भी, जवाला भी तो अलग है, वो खोद ले जाओगे, खोद ले कहा है, वो एरिया को अंदाज आ जाओ ना। आलू मोटा तो एक बार जगह में बहुत निकलते हैं, फिर जैसे और जोरन की वजह निकालोगे तो ज्यादा निकल जाता है। 30 इंची है ना इसमें, चारों बस बस पलंग को आएगा, वहाँ में सीट लगभग तीन तीन चार पेड़ है, तीन पेड़ हम जाए साबित करते हैं, सीट कम निकलता है हमारे यहाँ, लेकिन अब की जो ओवर साइज आ जाता है पर रखना बंदर आलू तो सात सब पेड़ कहाँ गए, और पेड़ दिखा दो सबरे पेड़, तीन पेड़ हैं, तीन पेड़ हैं, तीन तीन है, चार आ जाना, दो हो गया। ये तो भाई के कुल्ला, भाई के कुल्ला हैं, भाई के कुल्ला हैं, तीन है, तीन है, वो कोई दिक्कत ना। चल छः आठ दस बारह चौदह सोलह, अब मतलब आपके हिसाब से इतने जगह में जो आलू कम है कि ज्यादा है? आलू तो सही है, फुलाव कम है, अगर कल बरसात थोड़ी बहुत होती है तो मैं अपनी जमीन नहीं कह रहा हूँ तो 5 कट्टा को बीघा बढ़ेगा तुम्हारे यहाँ? हाँ मेरे यहाँ, और जैसे हम आले ही ना तो फिर क्या बढ़ेगा। हम देख के आए पूरे तुम्हारे यहाँ तक आए हुए, करीब 20-22 किलोमीटर चले हैं हम, तो हमें एक तो आलू कम लगा, दूसरा तुम्हारे यहाँ झाड़े को प्रकोप है और लखा बैक्टीरिया ब्लाइट पौधा जर रहे हैं और आलू बहुत कम लगा हमें, आलू तो कम है लेकिन तो दाने कम है भैया। हाँ कम है, दाने कम है, प्रोडक्शन तो कम है। चलो अब दूसरे खेत में देखेंगे। ये है दोस्तों इनका 37-97 और ये देखो 30 इंची बेड पे दो जगह आलू है, 30 इंची बेड पे दो जगह आलू जिग जैग में, ठीक है समझना आप, ये 5.5 लाख रुपए वाली मशीन है ये ग्रामे की। हाँ साहब दिखवाओ जो 37-97 दिखवाओ, 37-97 की मालूम पर है ख्याति। देखो लास्ट ईयर भी तुम्हारे खेत में ही शुरुआत करी हमने देखने की, 37-97 तो बहुत ही फूलों का है। अरे नहीं सही बताया तुम, तो देख के मालूम पड़े जो तो बढ़िया गोल चाल का है। अरे ना कचू लंबा हुआ मिक्स है, अच्छा मिक्स है, आलू तो खूब है। एक तो इसमें मार वैसे ना, मैं दूध फसल है गई है, अच्छा गोबर डलता है ना मैं, हाँ देसी दोस्तों, इनके पास करीब 20 कितनी भैंसें होंगी, पता है 50 पशु हैं, 50 पशु हैं तो तभी तो आपके यहाँ आया हूँ मैं। पर जे आपके खेतों से वो पूरे यहाँ के जो और किसान हैं उनकी तुलना थोड़ी हो सकती है, पर आलू कैसा है? ठीक है अभी तो फूलेगा, अगर बरसात है कि तो फूलेगा, नहीं फिर ना 6-8-10 लेकिन तो 10-11 ट्यूमर है, तो जो ट्यूमर कम है और बहुत मजबूत पेड़ खोदा हुआ, मजबूत है, एक और खोदेंगे। अब जैसे जा पौधा पे अगर आलू की झाड़े की अब देखो यहाँ झाड़े को शिकायत है, जहाँ में करीब 25% झाड़े की शिकायत है। हाँ जी जी लाइन सवरी दे, देखो जहाँ में प्रोडक्शन कम है। अच्छा हाँ ऑटोमेटिक ही है, खुद ही जहाँ झाड़े की शिकायत है। आगे खोदो पलंग को, पलंग साइड में25% पौधन ने जाड़ो मारे है, जो ऊपर टॉप में सील कम पानी की नमी कमी, अब देखो अब जी कहा बनेगा दिखाना, इसमें अब नहीं भूलेगा, अब नहीं भूलेगा ना, अभी पौधा ही खत्म हो गया, पौधा खत्म है तेरे में कचू ना, तो जाड़े का असर पड़ता है, क्यों नहीं पड़ेगा? बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि पत्ता की जरूरत नहीं होती, आलू तो डंडी से ही भूलता है। वो पंडित जी अब लोग कहा कहते हैं, कहा अपनी कहोगे कहा कहोगे, सही है। आपके ब्लॉग में आप कह रहे हैं 20% आलू कम बुवाई हुई है और बहुत क्षेत्रों में आलू मतलब लोग कह रहे हैं बढ़ गया, स्टोर वाले कह देते हैं, तो वो वाले क्षेत्र कौन से, वो स्टोर वालों को भी पता है, किसानों को भी पता है? हम अपने से तुलना करेंगे, अब किसान इतने जागृत तो ना है कि सब अपने अपने रिकॉर्ड बता दें, हम चैलेंज कर रहे हैं, हमारी ग्राम पंचायत में कम है, हमारे ब्लॉक में कम है, मिर्ची ज़्यादा इस साल यहाँ कम है,
आगे कहा है अब कौन सी साइट है, अब देखो तिरवा साइट देखते रहते माध्यम से ऐसी लोगन थे आलू वाले व्यापारी मालूम पत्ते तो बता रहे हैं नुकसान। अब कौन सी वेराइटी दिखाओगे? अब तुम्हें मोहन करा है होगी? हाँ मोहन तो आ गया। मोहन दूर है क्या ज्यादा? दूर है। और कौन सी है? वो वाले, वो वाली कमर पे होगा। चलो तुम्हें 300। ये है देखो जाड़े का सर दोस्तों इनके खेत में। ये कौन सी वेराइटी है? 3797 जी। इसमें दिखाना जाड़े वाले मैंने खुद के जी ज्यादा इसमें सर है दिखाना इसे खोदे सब खोद जी पेड़ ले देख लो गुल्ला है जाड़े को सर पानी दे ना सकते हम पानी दे रहे हैं तो आलू खराब है रवा पूरी भाई अब नहीं भूला अब भूले मैं क्या करूं बूंद पड़ेगी तो जी हरे पौधा है लोग कुल्ड वाले तो जो कहते हैं कि इसमें भी जिसमें डंठल भी हरा है वो भी फूल जाता है जो कह रहे हैं डंठल से ही आलू फूल जाता है फूल तो रहते आप कह रहे हो जा बात है फूल तो डंठल ही ना रहेगा तो फिर क्या फूल है पत्ता देखो पत्ते ही को तो असली पौधा ही है अब कोल्ड वाले तो कोल्ड वाले हैं ना देखो भाई ये देखो बढ़िया होगा ये हरा है पौधा अब जब नुकसान तो बहुत होगा ना जी एक पेड़ है इसी को लो अब हम तो पानी के चक्कर में पानी ना होता पलंग को ही होता होते ना इधर के एक साइड के आलू आ जाते हैं इसमें गिर रही है आलू के तो कुछ चला गया नीचे वो गहरा हो जाता 3797 तुम जो मैं शायद तुम मतलब झरप हरे पौधों अच्छे पौधों पे लग गई हाँ झरप लग गई है झरप लग गई जी कंडीशन इसमें कहीं निकल नहीं रहा तुम्हारा 40 का 45 का निकलेगा इस खेत में और 50 निकल आएगा ज्यादा जी पानी पर तो जम बढ़ जाओ जो हरे पौधा दिख रहे हैं वे बढ़ जाएंगे वैसे पौधा चले जाएंगे बारिश से इसका मतलब फायदा हो जाएगा है बारिश से फायदा होगा थोड़ा सा ज्यादा भी तो नुकसान होगा रख डर हम पानी दे दो जब पानी ना दो चलो अब कोई और वैरायटी वो दिखाओ 302 अब जा निकाल दिया देखो यहां जाड़े की शिकायत ना है जी जाड़े की शिकायत नहीं है आगे पूरे में जाड़े की जा खोल दे खोद ले खोदना है तो जाड़े की शिकायत नहीं होगी मैं आलू बहुत नीचे निकाल बहुत है आलू इसमें तो पूरे जोड़े में आलू ही आलू होते हैं बस यही तो शिकायत मैं तो यही तो बता रहा हूँ तब हमारे को मामा हो तो ना है कछु हमारे पानी जाए सुन ना प्रैक्टिकल करो है लोग कह रहे ना कि कछु जहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा फर्क जब 50 भैंसों का गोबर की खाद इन्हीं खेतों में डलता है सब में और आओ तो ले लेते हैं खाद तो जब 300 कट्टा तो केंचुए खाद डाल दी मैंने 300 कट्टा हाँ गोबर इतना डला है ना डल पाया तो केंचुए डाल दिए रख दे बेटा नहीं तो भी 3797 डेवलप नहीं है ना 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 3797 बहुत बड़े नुकसान लोग जो क्या उठते हैं कल एक कमेंट कर रहा है एक किसान कोई मतलब हमें हमको पसंद ही नहीं करता होगा मुद्दे की बात तुझे वो जे कह रहा महाराज के जे तो पिछली साल बकवास कर रहे हैं जे लोग अब एक बार बताओ पिछली साल आलू 11 से 12 तक बिकाए मेरी बात सुनो अब तुम बेकोगे नहीं इस बात को का इंतजाम है तो बेई तो ब्रो हम आलू तो अबू बिकत रहे तो पल्ले के लोग घबरा जाते हैं अब घबराए ना देखो काम को एक टारगेट बना लो हम 100-4 रोटी खाएंगे तो 4 रोटी के हिसाब से काम करो ना आटो मारो सही है अब तुम 6 को 8 को मारोगे तो फिका होगा फेंकेंगे क्या ना फेंकेंगे सही है सही है आलू को हिसाब है सही है भाई मंडी को लोग घबरा जाते हैं घबराने से ही काम खराब होता है सही है दोस्तों ये इनका महावीर सिंह जी का है सुख्याति सुख्याति या ख्याति होता है कि जो सुख्याति आया है इसमें जाड़े का पूरे खेत में लगभग 50% असर दिख रहा है जगह जगह क्यों होगा 50% तो देखो जी यहाँ बैठ गए 50 यही कंडीशन हर किसान के में जम 50 है अच्छा नया सीड हो तो हमारे जम पाई ना दो बीज बना लो गोल है तो सुख्याति तो बहुत टॉप को है इसमें से हमें दे देना गुल्ला तो गुल्ला गुल्ला है सब गुल्ला ही है जो व्यवस्था बनेगी सही ले दिबा उठा पीछे थे पलंग उठा बा उठा पीछे जो सही बीज बन गया
निकाल के दवाई दीजिए। एक एक आलू कीमती है भैया। नहीं तो आपने जो सीड भी अच्छा बना डाला सही आपने, वो कुदरत ने बना दिया। दो एकड़ करीब है। अच्छा 10 बीघा कछु जाड़े ने तुम्हारा संग दे दिया सीड बनाने में हैं, क्योंकि बेसु एक एक नवंबर से अक्टूबर से आल कटी आई। डर दे बेटा। चलो सही है, दाने फाने तो सही है, लेकिन तुम बीज ही लायक बनाओ जी। जो बीज लायक ही बनाए तुम्हारा, यही खोद लो आलू फालू, आल फाल काट के रखेंगे कहाँ से फिर, अभी खोद लेंगे तो नहीं रखे तो जाओ। 300 तो दिखाओ। चलो दिखाओ। चलो दोस्तों 300 दो देखेंगे। और मोटा है वो, मैंने देखा। ये दोस्तों सेंटाना, सेंटाना वैरायटी संताना। हाँ सेंटाना संताना, संताना ही होगी। सब तो पिछाया को आड़ो मैंने जी। उड़ी लंबा है तो। हाँ जाको बहुत महंगो बिकत हुआ जी। अच्छा। हाँ जी फिंगर चिप्स बनते हैं, मैंने होटल के लिए स्पेशली मंगाया हुआ। अच्छा। हाँ जाके परांठे और जैसे फ्रीज फ्राई वगैरह जो उसको निकाल पल लगाते निकल आया भाई। ये तो भिड़भिड़ाए दो, हाली वाला पानी लगावा। जाड़े का इसमें भी दिख रहा है सर। भिड़भिड़ाए पर पानी लगवाए दो ना जी। सही पानी लगावा दो ना, कवर कर लो। सही करो तो हल्के हल पानी लग के फायदा हो जाता है। हाँ बहुत फायदा नहीं होगा, और जाड़े का असर कैसे दूर होगा, पानी से ही होगा। गर्मी आ जाती है पौधे के अंदर। अभी ये तो बहुत बड़ा बहुत फूल है, जामे तो दम है बहुत। दर्द है जामे तो दम है बहुत। आलू ये दोस्तों संताना आल एकदम चक रखी है, कहीं कहीं थोड़ा बहुत असर है जाड़े का, बहुत आलू निकल रहे हैं। चलो 300 तो दिखाओ अब महाराज। दोस्तों ये है 302 इनका, 300 तो देखें। देखो ये खेत इस पे भी जाड़े का सर है, कहीं की नया सीड है जी। नया सीड है, चमक कितनी होती है इसमें। खोदे तो पूरा एरिया में हटा, पूरा हटाए दे पेड़, एक और जगह खोदेंगे फिर। सुंदर है बहुत, बहुत सुंदर बड़ी आलू। 300 तो बढ़िया होता है, बहुत सुंदर होता है। पीली मिट्टी का खेत है। चल जा मैं वो मक्का ही पंडित जी, मक्का वो बाजरा, बाजरा अच्छा बाजरा रखना अंदर, रखो आलू अंदर रख दे। फूलेगा अभी तो है। हाँ फूल अभी तो फूलेगा जी। जी अभी का है 75 दिन का, 75 दिन का है। आल हरी है ना, आल हरी है और दम पाई लोग है वो। आल में दम है, देखो दम है आलू पूरा हरी है चक। जड़ देखो कितनी मोटी है, अरे जड़ तना फना वो जो देख ही समझ जाता है ना पेड़ के, वो सॉलिड है। तो ये है दोस्तों, और तो जाड़े को असर जा में हमारा इधर आने उजीते से मैंने इधर को दिखेगी, तुम इधर से इधर खड़े हो जाओ, इधर को इधर आएगी बढ़िया चेहरा। अब जो बताओ कि अब पूछना वैसे भी ठीक रहेगा मेरे हिसाब से कि आलू आपके हिसाब से आपके खेतों में लास्ट ईयर से आलू ज्यादा निकलेगा कि कम निकलेगा। देखो जहाँ जाड़े को असर हुआ अब पानी तो लग नहीं पावे को, हाँ, टाइम निकलेगा। हाँ, अगर कल बरसात वायदे में होती है तो थोड़ा बहुत बढ़ेगा। हाँ, उन्हीं जो फूल गया जिसमें 20% पौधा खत्म है गए, हाँ, उनमें तो कुछ होना नहीं। जैसे आज तक की अगर हम बात करें तो नुकसान है, तो आपके खेतों में जैसे जाड़े का भी मेरे को जगह जगह दिख रहा है। नहीं मेरे तो पिछले साल मैंने आपको बताई तो नुकसान गया था, कम निकले थे 4,000 कट्टे। अच्छा और साल से, इस साल भी कम ही हो गया, हो गया ना। पिछली साल भी बताया था और वो एक अलग है, लोगों ने के क्षेत्रफल बढ़ गए, लोगों ने की बिक्री, जैसे अब की बिक्री अच्छी चल रही है, खुदाई बहुत टॉप की है, खुदाई बहुत लोगों ने की। हाँ अच्छा चल, फिक्र आया लोगों ने, फिर भी लोग खोद के बेच रहे हैं। अच्छा 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 बाप। हेलो गेहूँ नहीं बुना बस माले में 15 रुपये किलो आ रहा है। और आलू 6-7 रुपये किलो। और भाई साहब ठीक है। तो दोस्तों क्या नाम है भैया आपका? दूरबीन। दूरबीन नाम भी बढ़िया रखा है, दूरबीन सही है। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ महावीर सिंह जी, पूर्व सेंटाना पूर्व ब्लॉक प्रमुख नारकी। और चलो देखते हैं अब आगे क्या होने वाला है ना, ज्यादा कुछ ठीक नहीं है। भाई जो कोल्ड वोल्ड की बात करो तो आदमी जो कहेगा अरे तुम तो नहीं नहीं जी, तो देखो अपने बाप है, अपने अपने बुद्धि विवेक का काम है। हाँ, देखो अब हम तो कह रहे हैं इतनी बढ़िया आलू पे जैसे आलू निकलना चाहिए। हाँ। सब टोटल खेत 80 कट्टा के, अरे भाई 5.5 लाख रुपए की मशीन का काम नहीं आएगा, देसी खाद और 150 भैंसे हैं आपके यहाँ, केचुआ की खाद 300 कट्टा लगी भैया ने। चलो प्रोडक्शन नहीं है तो अलग बात है। धन्यवाद दोस्तों।